वेलकम बैक दोस्तों। तो आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ मसल स्पिंडल। तो फंक्शन ऑफ मसल स्पिंडल को मैं सर्वो मैग्निज से बताऊंगी, जो टू टाइप्स हैं, लेंथ सर्वो मैग्निज एंड फॉलो अप सर्वो मैग्निज। तो जो हमारा मसल स्पिंडल होता है उसका जो एक्चुअल वर्क होता है वो क्या करता है, ड्यूरिंग बॉडी मूवमेंट मसल लेंथ को मेंटेन करता है। तो वो कैसे करता है, इसको कैसे ऑपरेट हो रहा है, इसको हम सर्वो मैग्निज से समझते हैं कि मसल स्पिंडल कैसे मसल लेंथ को मेंटेन या ऑपरेट कर रही है। तो जब मसल स्पिंडल स्ट्रेच होती है तो जो सेंसरी नर्व है उसमें एक एक्शन पोटेंशियल सेटअप हो जाता है कि जो डिग्री ऑफ स्ट्रेचिंग है वो कितने टाइम के लिए और कितनी होगी मसल में। तो हमारी जो ब्रेन है उसका जो मोटर कंट्रोल सिस्टम है वो क्या करता है, इनिशिएट करता है मसल की वॉलंटरी और इनवॉलंटरी मूवमेंट को। और जब इसमें न्यूरॉन डिस्चार्ज होता है तो वो एक्टिवेट करता है साथ में अल्फा और गामा मोटर न्यूरॉन्स को, एक साथ एक्टिवेट करता है। और जो ये एक साथ एक्टिवेट हो रहा है उसको बोलते हैं अल्फा गामा को एक्टिवेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो स्पिंडल भी एक्टिव हो जाते हैं। अब मेन फंक्शन क्या है मसल स्पिंडल का, तो ये मसल लेंथ को बॉडी मूवमेंट के ड्यूरिंग बॉडी मूवमेंट ये मसल लेंथ को मेंटेन करती है, और ये क्या करती है, रेगुलेट करती है बॉडी पॉस्चर को। अब हम फंक्शन जो है मसल स्पिंडल को उसको सर्वो मैग्निज से समझेंगे। तो फर्स्ट है लेंथ सर्वो मैग्निज। तो अगर इफ एट एनी मोमेंट अल्टर लेंथ ऑफ द मसल इज मोर देन द रिक्वायर्ड ड्यूरिंग मूवमेंट, मतलब अगर बॉडी मूवमेंट कर रही है और जो मसल की जो मसल लेंथ है वो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए जितनी रिक्वायर्ड है, तब क्या होता है, जब मसल स्पिंडल डिस्चार्ज इंक्रीजन एंड रिफ्लेक्स शॉर्टनिंग इज प्रोड्यूस। तो जब मसल लेंथ बहुत ज़्यादा, मतलब मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर जाती है और मसल लेंथ रिक्वायर्ड लेंथ से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्या होता है, मसल स्पिंडल में डिस्चार्ज इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्टनिंग हो जाती है। अब अगर मसल लेंथ बहुत ज़्यादा, जो मसल है वो बहुत ज़्यादा उसके शॉर्टनिंग हो गई है तो क्या होता है, इफ द मसल इज शॉर्टनड विदाउट अ चेंज इन गामा एफरेंट डिस्चार्ज मसल स्पिंडल डिस्चार्ज डिक्रीजेज एंड मसल रिलैक्स। तो जो अगर मसल ज़्यादा शॉर्टनड हो गई है तो क्या होता है, मसल स्पिंडल में डिस्चार्ज डिक्रीज हो जाता है और मसल रिलैक्स कर जाती है। अब इसको फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो जब नॉर्मल मसल लेंथ होती है, अब अगर लेंथ मसल लेंथ इंक्रीज कर जाती है तो क्या होता है, मसल स्पिंडल भी स्ट्रेच हो जाती है। अगर मसल स्ट्रेच करती है तो मसल स्पिंडल भी स्ट्रेच करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, मसल स्पिंडल में जो डिस्चार्ज है वो इंक्रीज करेगा। और अगर डिस्चार्ज इंक्रीज होगा तो क्या करता है, स्टिमुलेट सेंसरी नर्व ग्रुप आईए फाइबर्स, और ग्रुप आईए फाइबर्स क्या होंगे, स्टिमुलेट होंगे, और वो क्या स्टिमुलेट करते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। अब वो कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, ये हमने लास्ट वीडियो में मसल स्पिंडल के इनर्वेशन में डिस्कस किया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख लीजिए। तो जब अल्फा मोटर न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं तो अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे तो उसकी एक्चुअल लेंथ हो जाएगी। अब सेकेंड जो सर्वो मैकेनिज्म है वो है फॉलो अप सर्वो मैकेनिज्म। तो इसमें क्या होता है, जब अल्फा कंट्रोल सिग्नल्स हैं अगर वो एक्टिवेट होते हैं तो अल्फा मोटर न्यूरॉन पे जाते हैं, और अल्फा मोटर न्यूरॉन क्या कराता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो मसल लेंथ की शॉर्टनिंग होगी। अब अगर गामा कंट्रोल सिग्नल एक्टिवेट होते हैं तो ये गामा मोटर न्यूरॉन्स पे जाएंगे, और गामा मोटर न्यूरॉन किसको मोटर सप्लाई करता है, मसल स्पिंडल को करता है, और मसल स्पिंडल पे IA फाइबर्स होते हैं, सेंसरी फाइबर्स होते हैं, और ये टर्मिनेट कहाँ होते हैं, अल्फा मोटर न्यूरॉन पे। तो ये अल्फा मोटर न्यूरॉन पे जाएंगे, उसको एक्टिवेट करेंगे, और ये क्या करता है, मसल को एक्टिवेट करेगा और फिर शॉर्टनिंग होगी। अब बहुत ज़्यादा जब शॉर्टनिंग होगी तो ये क्या करेगा, मसल स्पिंडल में डिस्चार्ज कम करवाएगा, जिससे क्या होगा, जो मसल की शॉर्टनिंग ज़्यादा हो रही है
उसको मेंटेन करेगा कि जो एक्चुअल मसल लेंथ है वो बनी रहे। इससे क्या होगा, जो मसल लेंथ है और जो पॉस्चर है वो मेंटेन रहेगा। तो इसको बोलते हैं फॉलो अप सर्वो मैकेनिज्म, क्योंकि अगर मसल कि अगर क्योंकि मसल स्पिंडल में अगर डिस्चार्ज कम या ज़्यादा हुआ तो भी ये मसल पे इफ़ेक्ट करता है और उस हिसाब से शॉर्टनिंग करवाता है। तो हम इस पूरी मैकेनिज्म को फॉलो अप लेंथ सर्वो मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, क्योंकि जो द कंट्रोल्स ऑफ द लेंथ ऑफ द स्पिंडल कंट्रोल्स द लेंथ ऑफ द मसल, मतलब जो स्पिंडल जो मसल स्पिंडल की जो लेंथ है वो क्या करती है, कंट्रोल करती है मसल की लेंथ को। और जब अगर मसल की लेंथ में अगर चेंज होता है तो ये फॉलो अप करती है स्पिंडल की लेंथ को। आई होप दोस्तों आपको ये पूरा सर्वो मैकेनिज्म समझ में आया होगा। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं या मेरे आने वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक यू।